अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नई जॉब्स के मुतालिक बताने जा रहा हूँ जो कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की हैं। सीटें जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, 1737 टोटल सीटें हैं, ठीक है। और इन्हों के जो लास्ट डेट है वो है 31 तारीख 5वां महीना और 2022। ये आप लोग देख सकते हैं 21 सीरियल नंबर, 31 तारीख 5वां महीना 2022। अप्लाई करने के कैसे करना है वे भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो आपको मैं इसकी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। पहले आपने ये देख लेना है इसकी जो जॉब्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। मेट्रिकुलेशन ओनली मिनिमम एंड मैक्सिमम होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइनमैन ALM मेल, इसमें सिर्फ और सिर्फ आदमी ही अप्लाई कर सकता है। और इसके जो 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। 1025 ओपन मेरिट पे हैं पोस्टें, माइनॉरिटी के लिए 68 पोस्ट हैं और 20% कोटा है जो कि इसी महकमे में काम करते हैं, जिनके वालिदैन वगैरह यानी फौत हो गए हैं या वो रिटायर्ड हैं उन्हों के लिए हैं, ठीक है। दूसरी पोस्ट है ड्राइवर LTV की, मेट्रिक होनी चाहिए इसके लिए। ओपन मेरिट पर 75 यानी सीटें, 5 माइनॉरिटी, 20% ECQ। और ड्राइवर HTV इसकी भी 80 पोस्टें हैं। और जो लास्ट पोस्ट है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, मेट्रिक होनी चाहिए इसके लिए। 170 ओपन मेरिट पर सीटें हैं। AJ के ग्रेड्स की 21 पोस्टें, माइनॉरिटी के 10 पोस्टें और डिसेबल पर्सन के लिए भी 4 पोस्टें हैं। तो इसके जो मुख्तलिफ अभी ज़रूरत हैं रिक्वायरमेंट कंडीशंस वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग लिस्टिंग, यानी आपने इस एडवर्टाइजमेंट को सही से पढ़ लेना है। और ये आपने इसको अप्लाई करने के लिए जो आपको वेबसाइट बता रहा है www.ctsp.com.pk, और इसके एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। और आगे जो बताया रहा है इंस्ट्रक्शन के मुतालिक वो ये है। पहले जो है कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन रिलेवेंट एप्लीकेशन, आपने अपनी जो जॉब है रिलेवेंट पोस्ट पर ही अप्लाई करना है CTSP की वेबसाइट पर, ठीक है। दूसरा है जनरल एज रिलैक्सेशन हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, आपकी जो जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको पहले ही दी गई है, ठीक है। मज़ीद आपको थोड़ी बहुत दी जा सकती है ऑन प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट के मुताबिक। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि जो महकमे में पहले से यानी के काम कर रहे हैं दूसरे महकमों में तो वो उनके तवसत से अप्लाई करेंगे। डिसमिस्ड एम्प्लॉयज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी जिनों का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जो डिसमिस हुए हुए पर्सन हैं हजरात वो अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स अवेटिंग देयर रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल, जो लोग अपने यानी के क्वालिफिकेशन यानी तालीम के लिए जो रिज़ल्ट का वेट करें वो अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स वही अप्लाई कर सकते हैं जो जिन्हों के यानी क्वालिफिकेशन मुकम्मल है। अगला बता रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ ALM नो ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अदर देन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज़ अलाउड फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि आपकी जो ALM की जो पोस्ट है यानी कि पहली जो पोस्ट बता रहा है असिस्टेंट लाइनमैन ALM मेल, ठीक है। इसके लिए कह रहे कि आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके आपके किसी भी स्टेज पर आपको गिराया भी जा सकता है इसकी बुनियाद पर। आगे कह रहा है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड यानी कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ही सिर्फ टेस्ट इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। TADA भी आपको नहीं दिया जाएगा जो कि जो इंटरव्यू या टेस्ट के लिए आएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ ALM एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द तहसील, यानी कि जो लोग इस तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे मरी टेक्सला एंड दादन खान एंड सराय आलमगीर, ओनली रेजाइडिंग अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ISCO, यानी कि वो भी यहाँ पे अप्लाई फिर कर सकते हैं सब डिवीजन में सराय आलमगीर की। और आगे जो बता रहा है एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द तहसील सराय आलमगीर ओनली रेजाइडिंग अंडर द जुरिस
डिक्शन ऑफ आईएससी ऑपरेशन सब डोमेन सर आलमगीर कैन आल्सो भी, यानी ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और बता रहा है कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोटली रावलाकोट बाग रावलाकोट और दूसरे बाग एंड पलंदरी वाले भी अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ AWSI शोन ऑन एट सीरियल नंबर, यानी सीरियल नंबर 4 वाले इसमें ये सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बता रहा है ओनली IESC एम्प्लॉयज चिल्ड्रन हु डाइड आफ्टर रिटायरमेंट, यानी जो मुलाजमीन इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई में काम कर रहे थे वो अगर चाहे रिटायर या फोत हो गए आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके बच्चे वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, उनको 20% दोनों को कोटा दिया हुआ है। ठीक है, आगे जो दूसरा पॉइंट बता रहा है उनों के लिए एफिडेविट डुअली कंसेंट काउंटर साइंड बाय द हेड ऑफ एम्प्लॉयज ऑफिस वेयर सर्वड सर्विंग दैट नो अदर चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा इज वर्किंग, यानी जो इस महकमे में काम कर रहे थे उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ से एफिडेविट तस्दीक करवाएंगे और फिर अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो 14 पॉइंट बता रहे थे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ LM विल इनिशियली गो थ्रू स्क्रीनिंग ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स के जरिए होगी और 50% जो मार्क्स ऑब्टेन करेगा उनको ही टेस्ट के लिए फिर बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे बता रहे ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंटरव्यू, यानी कोई इंटरव्यू के वक्त आपसे ये सारे के सारे फोटोकॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड लिए जाएंगे। कैंडिडेट्स मे कॉन्टेक्ट CTSP STS JV, इस नंबर पे आप लोग उनसे रब्ता भी कर सकते हैं और ये उनकी वेबसाइट की लिंक है। और अगर आप कोई आप क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है रिजर्व, और ये जो महकमा है अपनी सीटें कम या ज़्यादा भी कर सकता है विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, और ISCO रिजर्व द राइट टू के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रिजन, और ये किसी भी वक्त इन सीटों को ख़त्म भी कर सकता है किसी भी वजह पर, बगैर किसी भी वजह पर। 19वां पॉइंट एप्लीकेशन एड्रेस टू IAS हेडक्वार्टर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, और आपने ये इसमें नहीं देना, ये यानी कि क्या कहते हैं इसका ये एड्रेस आपने नहीं देना, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं देनी आपने। इनकम्प्लीट आर इनकरेक्ट जो एप्लीकेशन हुई विल बी रिजेक्टेड होगी। ठीक है, और जो बंदा होगा वो उसका खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। आखिरी जो लास्ट पॉइंट है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 31 मई 2022 है, और अब इसका जो अप्लाई करने के तरीके वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ विजिट CTSP STS JV वेबसाइट www.ctsp.com, यानी कि आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और टेस्ट फी इज़ ₹70 होगी। हाउएवर 50% ऑफ द टेस्ट फी टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स एंड 50% बाय द ISQ एज पर इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म्स ड्यूली फिल्ड इन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी ₹35 देनी इन फेवर ऑफ CTSP STS JV। रिमेनिंग 50% जो फी होगी शैल बी पेड बाय IESCU डायरेक्टली टू CTSP। ठीक होगा, प्लीज़ कीप विजिटिंग CTSP STS JV वेबसाइट रेगुलरली फॉर द टेस्ट शेड्यूल एंड अपडेट्स एंड रिजल्ट्स। ठीक हो गया, और आगे बता रहा है इफ़ यू डू नॉट फाइंड आंसर टू एनी योर क्वेरी प्लीज़ कॉल CTSP STS JV हेल्पलाइन, और इसकी फ़ोन नंबर और ये इसका हेल्पलाइन भी दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जो अप्लाई करने का मेथड है CTSP का वो भी मैं इंशाल्लाह आपको फिल करके दिखाऊंगा, तो इसकी जो लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।